हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष जैन। दिस इज अ कंटिन्यूशन वीडियो ऑन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन दिस लेक्चर वीडियो वी आर डूइंग द लास्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ द एरिया, दैट मीन्स हाउ मच एरिया कवर्ड इन दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो देखिए, ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता होना चाहिए वट इज़ द मीनिंग ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज इफ आई टेक एनी टाइप ऑफ अ क्वेरी और अ सर्वे, एंड सपोज आई वॉन्ट टू नो लाइक हाउ मैनी रिस्पॉन्सेज लाइक द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विसेज। सपोज इन अ लिकर्ट स्केल ऑफ 1 to 5, एंड सपोज ऑल द रिस्पॉन्सेज, सपोज नॉट ऑल द रिस्पॉन्सेज, मैक्सिमम ऑफ द रिस्पॉन्सेज रिस्पॉन्सेज हैव मार्क्ड फ्रॉम 3 to 4। ठीक है, सो दैट मीन्स जो रिस्पॉन्सेज है, दैट मीन्स 80% ऑफ द रिस्पॉन्सेज आर कवर्ड। जो उन्होंने रिस्पॉन्सेज जो मार्क किए, दैट इज 0 3 to 4। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज द नॉर्मल जो सिचुएशन आपकी होगी। सो इसी को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स जहाँ पर मीन, मोड, मीडियन, ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, ज़रूरी नहीं, बिकॉज देखिए ऑब्वियसली अगर तीनों ही इक्वल हो जाए, मीन्स डेटा में कोई वेरियंस ही नहीं है। ठीक है, मतलब मीन क्या है आपका, बिल्कुल ही सब कुछ है। डेटा कभी भी देखिए नॉर्मल हो नहीं सकता। ठीक है, परफेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो मैं सिर्फ एक आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि कौन सी सिचुएशन को हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, राइट? तो देखिए, अब इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर होता है ये मीन, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन को डिनोट करते हैं म्यू से। ओके, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से देखें तो जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, दैट कवर, दैट इज 50% पार्ट, एंड दिस ऑल्सो कवर 50% पार्ट, राइट? बिकॉज द होल एरिया, जो होल एरिया है ये क्या है आपका, दैट इज 100%। ओके, सो मेनली अगर देखें हम, आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेनली आपको क्या बताया, दैट मीन्स हाउ मच योर एक्चुअल डाटा इज वेरिंग फ्रॉम द एक्चुअल मीन, राइट? सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली टेस्ट द रिलेशन बिटवीन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, हाउ मच योर डेटा इज वेरी, कितना डेटा आपका जो है फैला हुआ है, कितना आपका वेरी, कितना कर रहा है, चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, वो आपको बताता है। देन मीन, भाई एवरेज, मीन्स एवरेज रिस्पॉन्स, इसने कितना एवरेज रिस्पॉन्स दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मीन निकालते हो। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हमेशा यहाँ पर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर मेनली फोकस करना है, राइट? तो इसमें हम जो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है जी इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान समझते, देखिए एक्स का यहाँ पर एक्स क्या है, दैट दी यू कैन से जो आपको वैल्यू निकालनी है, दैट इज कॉल्ड एक्स। ठीक है, जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज कॉल्ड एक्स। मीन या तो आपको गिवन होगा, ठीक है, या आपको निकालना होगा। गिवन होगा तो ठीक, अगर निकालना होगा दैट मीन्स समथिंग आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही क्या होता है, ना काउंटिंग द पार्ट जी। जी क्या है यहाँ पर, जी यहाँ पर इन द सेंस विच टेल्स अबाउट दी हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाई दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? इसको हम अच्छे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, सो यू विल बेटर नो। ओके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लूँ, चलिए एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। सपोज क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फॉर जी इक्वल टू 1.54। ये गिवन आपको, यहाँ पर आपको क्या है, जी गिवन है। मैं आपको बताया जी क्या अपन रिप्रेजेंट करता है, जी रिप्रेजेंट्स द एरिया, दैट मीन हाउ मच एरिया इज कवर्ड अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो अब देखो, पहले अच्छा हमेशा याद रखना
जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करोगे, इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक दी डायग्राम, ठीक है, बिकॉज डायग्राम आपने बना लिया, सो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उससे ही। तो जब भी सोल्व करो, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना के करो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, हाफ पोर्शन होता है, ठीक है, ये आपका 0 पॉइंट हो गया, राइट, दैट मीन्स ओरिजिन। अब यहाँ पर रखिए जी, देखिए लेफ्ट साइड आपकी पॉजिटिव होती है, सॉरी सॉरी, लेफ्ट साइड आपकी नेगेटिव होती है एंड लेफ्ट साइड राइट साइड आपकी होती है पॉजिटिव, ठीक है। अब जी की वैल्यू देखिए कहाँ क्या लिखी हुई है, 1.54, जी की वैल्यू कहाँ लिखी है, 1.54, यानी कि सम वेयर वो जहाँ पर कहीं पर लाई कर रहा हो, ठीक है। मान लो यहाँ तो जी, ये क्या है जी, दैट मीन्स जी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1.54। और मैंने आपको पता है जी क्या बताता है, दैट मीन्स हाउ मच एरिया इज कवर्ड अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा आपका, कि जो भी एरिया कवर कर रहा होगा ना, वो कर रहा होगा टूवर्ड्स दी ओरिजिन, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो एरिया कवर हो रहा होगा वो ये एरिया कवर होगा टूवर्ड्स दी ओरिजिन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपको देखना है कि जी जी की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स जेड जी की वैल्यू जो होगी वो होगी राइट साइड ऑफ दी ओरिजिन, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, बिकॉज राइट साइड जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो होती है पॉजिटिव, राइट। एंड जी क्या बताता है, इट मीन्स हाउ मच एरिया इज कवर्ड अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड जो भी एरिया वो कवर करता है, दैट मीन्स वो कवर करता है टूवर्ड्स द ओरिजिन, राइट। तो यहाँ पर देखिए जी की वैल्यू, दैट मीन्स ये एरिया आपको गया। अब मैं कहता हूँ जी क्या कहता है, हाउ मच पोर्शन इज कवर्ड अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको बेसिकली ये वैल्यू गिवन है बट परसेंटेज गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको परसेंटेज आनी है, अब परसेंटेज आने हैं, फॉर दिस यू नीड टू सी दी टेबल, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए जी की वैल्यू कितनी है, 1.54, तो बस 1.54 में जाइए, देखिए 1.5 एंड 4 कहाँ पर है, 0, 1, 2, 3, 4, दैट इज दिस 0.4382, 0.4382, सो दैट्स इट। तो यहाँ पर दैट मीन्स ये कितना एरिया कवर कर रहा है, दैट इज 0.4382, इसको आप परसेंटेज में ले सकते हो, दैट इज 43.82, दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये तो पूछा था, लिखे तो कि फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है, दैट्स इट परसेंटेज फॉर्म में, दैट्स इट, ओके। कुछ और एग्जांपल्स हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ जी इक्वल टू 0.25। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन करो हमेशा डायग्राम बनाओ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने ओरिजिन। अब जी है, जी की वैल्यू कितनी है, अगेन पॉजिटिव में है, सो दैट मीन वो समवेयर यहाँ पर लाई कर रहा होगा, और ये क्या आपकी जी की वैल्यू 0.25, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कौन सा एरिया का होगा, दैट मीन्स टूवर्ड्स दी जीरो, ये की तो हमेशा पता है आपको, ये है ना। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ दिस वैल्यू, दैट मीन्स हमसे एरिया कौन से पूछ रहा है, हमसे बेसिकली ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये एरिया निकालो। कैसे निकालेंगे, पहले एक बार देखते हैं कि जो शेडेड एरिया है, जो मैंने अभी ये मतलब ग्रे कलर में जो कवर किया है, उसका एरिया देखना है इन परसेंटेज फॉर्म में कितना है। देखिए जी की वैल्यू कितनी है, 0.25, तो पहले टेबल में देख लेते हैं 0.25, देखिए कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर देखिए 0.25, ये वैल्यू दैट इज 0.0987, इसको लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.0987, राइट। सो दैट मीन्स ये एरिया कितना कवर कर रहा है, 0.0987, ठीक है। अब हमें मेनली तो ये ब्लू पोर्शन निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा है फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ जी वैल्यू, यानी कि जी जितना वैल्यू कवर कर रहा है उसको हमें राइट वैल्यू निकालना है। अब कैसे करना है इसको, एज यू नो वेरी वेल दैट दिस हाफ पोर्शन इज, ये कितना एरिया होता है, दैट इज 50%,
तो 50% में अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा, ठीक है। सो कैसे करना है आपको इसको, इक्वल टू 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.0987, दैट्स इट, एंड यू विल गेट 0.4013, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इजी है, बट इजी तब होगा जब अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के करोगे, तभी आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे सब कुछ लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जी इक्वल टू 1.96, ठीक है। तो पहले हम इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लेते हैं, तो जी की वैल्यू देखिए अगेन क्या दी हुई है, पॉजिटिव गिवन है, सो समवेयर देखो यहाँ पर लाइक कर रहा होगा, दैट इज 1.96, दैट मीन्स हमें जो गिवन होगा वो ये शेडेड एरिया गिवन होगा, राइट। अब हमसे पूछे क्या है, फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि जी से पूरा ही लेफ्ट निकालना है, तो हमें निकालना क्या है, हमें ये तो है ही, हमें साइड हमें ये भी निकालना है, साथ हमें ये भी निकालना है पूरा का पूरा, ये तो है ही, ये पूरा का पूरा निकालना है बेसिकली हमें। कैसे करना है देखिए, देखिए ये एरिया तो आपका है ही 50%, 0.50, ये हम निकाल लेंगे अभी, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट्स इट। तो देखिए 1.96 की वैल्यू कितनी है, 1.96 ये रही, एंड 1.96 दैट इज 0.4750, 0.4750, दैट्स इट। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 0.50 प्लस 0.4750, दैट इज इक्वल टू 0.9750, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं अपने, वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 10, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। अ नॉर्मल कर्व हैज मीन दैट इज इक्वल टू 20, वेरियंस दैट इज इक्वल टू 10, एंड सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू 10, फाइंड द एरिया बिटवीन x1 एंड x2, बिटवीन x1 एंड x2। पहले देख लेते हैं जो उसमें लिखा क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए जैसे आपको देखिए फॉर्मूला तो पता ही क्या होता है, दैट मीन जी इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब हमें वैल्यू क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है मीन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 20, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपको 10, राइट। अब हमें और क्या गिवन है, एक्चुअली हमें यहाँ पर 2x गिवन है, दैट इज 15 एंड 40, 15 एंड 40। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर x1 कितना गिवन है 15, एंड x2 कितना गिवन है 40। तो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे z1 दैट इज इक्वल टू x1 माइनस mean1 मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो z1 देखिए यहाँ से कितना आएगा, 15 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 10, सो दैट मीन्स -5 डिवाइडेड बाय दिस दैट इज -0.2, z1 की वैल्यू होगी। सिमिलरली z2 कैसा आएगा, देखिए 20 सॉरी 40 है ना, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10, एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 2। तो देखिए अब आपको z की वैल्यू ये आ गई, ये आ गई। अब हमसे मिसी मिलनी पूछा है क्या, पहले वो तो देख लो, पूछा है हमसे फाइंड द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों के एरिया के बीच में निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले एक बार ग्राफ बना लें, उससे आपको अच्छा समझ आ जाएगा।
देखिए जी की वैल्यू पहले कितनी है, -0.2, तो देखिए वो समवेयर यहाँ पर कहीं लाइक कर रहा होगा, नेगेटिव में है मैंने एग्जाम्पल 0.2 माइनस में, एंड फिर जी टू टू वो समवेयर यहाँ पर लाइक कर रहा होगा। ठीक है, हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में वैल्यू निकालनी है, तो दैट मीन्स हमें ये पूरे का पूरे स्टेडी स्टेट निकालना है। ये पूरा निकालना है हमें, ठीक है। किस तरह करेंगे यहाँ पर देखो, देखो जब आप टेबल में देखोगे तब आप जैसे 0.2 की वैल्यू, तो वो कौन सी गिवन होगी, टूवर्ड्स दी जीरो ये गिवन होगा आपको, एंड इसमें भी आपको ये गिवन होगा आपको, तो हम क्या करेंगे दोनों ऐड कर देंगे सारेगा तो नीचे। तो देखिए पहले कितना -0.2, 0.2 में देखिए आपकी वैल्यू कितनी, दैट मीन्स 0.793। देखिए परसेंटेज है, जैसे लिखा ना 0.793 परसेंटेज है, ये नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। 0.793 पहले का है आपका, 0.0793 एंड सेकेंड मिनट का जो कि हम प्लस करेंगे 2, तो क्या है कुछ नहीं है, तो 2.0 दैट इज 0.4772, 0.4772 राइट। बस दोनों को ऐड कर देंगे, सॉरी ये आपकी वैल्यू 0.2 नहीं आएगी, 0.5 आएगी, सॉरी 0.5, सॉरी सॉरी 0.5। देखिए 0.5 की वैल्यू देख लेते हैं, वो 0.5 की वैल्यू आपकी 0.1915, 0.1915 दोनों को ऐड कर देंगे, सो ये विल गेट 0.6687, दिस इज द फाइनल। ओके नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अज्यूम अज्यूम द मीन हाइट ऑफ सोल्जर टू बी 68.22 इंचेस विद अ वेरियंस ऑफ 10.8 इंचेस। How many soldiers in a regiment of 1000 would you expect to be over 6 feet tall? देखिए हमें एवरेज हाइट गिवन है, दैट इज 68.22 मीन गिवन है हमें, वेरियंस गिवन है, हम स्टैंडर्ड्स निकालेंगे। अब हम सोचा है कि कितने सोल्जर्स की हाइट जो है वो 6 फीट ज़्यादा है, और एक रेजिमेंट में कितने सोल्जर हैं वहाँ पर 1000, यानी कि आउट ऑफ 1000 कितने रेजिमेंट कितने सोल्जर्स की हाइट जो है वो 6 फीट टॉल है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, वैसे तो हमसे पूछा है आंसर हमें 6 फीट में, बट वैल्यू हमें इंचेस भी गिवन है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा क्योंकि सारी वैल्यूज को हमें एक लेवल पे लेकर आना होगा। तो देखिए किस तरह करेंगे इसको हम, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला देखिए, थोड़ा जी इक्वल टू एक्स माइनस मी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब हमें गिवन है, देखिए हमें 6 फीट टॉल निकालनी ना ज़्यादा, तो इसको हम इंचीज में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो निकालना है वो क्या था आपका एक्स होता है, तो देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 फीट टॉल से ज़्यादा निकालेंगे तो 6 × 12 कर देते हैं, तो ये 72 इंचीज आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए जी इक्वल टू 72 माइनस मीन कितना गिवन है आपको, 68.22 एंड ये आपको वेरियंस गिवन है, तो हम इस तरह निकाल लेंगे 10.8 है, दैट वुड बी 3.286 राइट डिवाइड बाय 3.286, तो अंडर रूट करने के बाद बस उसको सॉल्व कर देंगे, जी की वैल्यू अपनी आ जाएगी, सो जी की वैल्यू आप कह रही दैट इज 1.15 राइट। तो अब हमें देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, पहले अभी बार उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं,
देखिए जी की वैल्यू समवेयर कहाँ लाई करी होगी, वो यहाँ लाई करोगे, दैट इज 1.15। एंड हमें जो टेबल के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू गिवन होगी, गिवन होगी 2.0, राइट। अब हमें निकालना क्या, देखिए हमें निकालना है कि कितने सोल्जर्स की हाइट जो है ओवर 6 फीट होगी, ओवर 6 फीट। तो दैट मीन्स हमें तो 1.1 से ज़्यादा चाहिए, तो 2.0 राइट हमें वैल्यू चाहिए। हमें देखा जाए तो वैल्यू हमें ये वैल्यू चाहिए, ज़्यादा वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए पूरी वैल्यू क्या होती है आपकी, 50% होती है, 0.50 ये निकाल लेंगे, पता ही हमें, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल 1.15 कहाँ पर लाई कर रहा है, 1.15 ये आपका आएगा, ये रहा 0.3749, 0.3749। तो बस क्या करेंगे इसको हम, 0.50 माइनस 0.3749 माइनस करने के बाद आपकी वैलिडिटी दैट इज 0.1251, दैट्स इट, दिस इज इट आंसर, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल, 7% ऑफ द आइटम्स आर 35, 89% आर अंडर 63, व्हाट आर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। क्या पूछा है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल है, कुछ वो बोल रहे हैं कि 7% ऑफ द एटम्स, देखिए हमें जो गिवन है दैट इज नॉर्मल, एग्जैक्टली 7% ऑफ द एटम्स आर कवर्ड 35 एंड 89% आर अंडर 63। पहले इसका हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो, तभी इजी समझ आ गई। तो देखिए इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू समझेंगे, देखिए बोला गया है क्वेश्चन में बोला है कि 7% ऑफ द आइटम्स आर 35, ठीक है। 7% देखिए कहाँ पर लाई कर रहा होगा, देखिए ये पूरा जो है 100% होता है, ठीक है, 50% लेफ्ट में 40% राइट में, तो 7% आएगा कहाँ पर, 7% आएगा लेफ्ट साइड में, समवेयर यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका 7%, ठीक है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू आपकी कितनी होगी, 7% राइट। एंड इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 35, ये गिवन आपको। देन आपको गिवन है कि 89% आर अंडर 63। अब 89% कहाँ पर होगा, देखिए मोर देन 50% है, तो वो समवेयर देखिए यहाँ पर लाई कर रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 63 राइट। तो देखिए इफ वो गिव 7% ऑफ द एटम्स आर अंडर 6 आर अंडर 35, दैट मींस इस बार आपको वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। अब बोल रहे हैं 89% ऑफ द वैल्यूज आर अंडर 89, तो आपको ये वैल्यूज ही गिवन है पूरी की पूरी, 89 तो पूरा ही हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपको सेल पोर्शन गिवन है। अब मैंने हमसे पूछा क्या है, मैंने हमसे पूछा कि व्हाट आर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए कैसे देना है, जी वन फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्स वन माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। जी वन आपको इस बार क्या नाम है, परसेंटेज तो है ही आपका, परसेंटेज में गिवन है जरा वो वैल्यू 7%। पहले हम करते हैं वैल्यू से परसेंटेज आता है, बट इस बार आपको परसेंटेज गिवन है, रिवर्स है। तो देखिए हमें जी की वैल्यू पहले एक बार देख लेते हैं कि एक्स वन क्या आपका, यहाँ पर 35 माइनस मीन आपको पता नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता नहीं है, ठीक है, बट जी की वैल्यू इस बार हमें परसेंटेज फॉर्म में पता है कितनी है आपकी, 7%। तो अब देखिए इस बार हम रिवर्स में लेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 7%, तो इस बार हम देखेंगे कि 7% कहाँ पर आ रहा है। देखिए 7% टेबल में कहाँ पर आए हैं, ये रहा देखिए यहाँ पर, यहाँ लाइक कर रहा, दैट इज 1.7%, सॉरी 7% है, 0.07,
देखिए सॉरी सॉरी, जो वैल्यू गिवन आएगी 7% की, वो तो आपकी ये वाली आएगी ना, सॉरी वैल्यू तो ये वाली आएगी क्योंकि वो टूवर्ड्स जीरो होती है वो आपकी, तो हमें तो ये देखना पड़ेगा। सो दैट मीन्स हमें जब हम देखेंगे इसको तो ये कितना होगा, ये एरिया तो आपका कितना होगा, ये एरिया होगा आपका 43% होगा ना, 43% देखना है फिर तो हमें 7% नहीं देखना, हमें एक्चुअली 43% देखना है। सिमिलरली फॉर दिस हमें 89% नहीं देखना, हमें कितना परसेंट देखना है, देखिए ये 50% है तो दैट मीन्स ये कितना होगा, दैट मीन्स ये पूरा एरिया ऑफ तो हो जाएगा 39%, 39 ये तो था आपका, ठीक है। तो हमें 43 और 39 में देखना है, तो देखिए 43% कहाँ पर आएगा आपका, 43 तो हमें देखना है 0.43, 0.43 देखो कहाँ पर आएगा होगा, 0.43 देखिए यहाँ पर ये आ रहा, ये रही वैल्यू होगी, तो कोई कहाँ पर आएगा आपकी 1.48, 1.48 में आएगी, ठीक है। तो डेट मीन्स जी की वैल्यू इस बार आपकी कितनी आएगी, अच्छा वो नेगेटिव में आएगी क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो -1.48 इक्वल टू 35 माइनस मी डिवाइड बाई स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन आ गई है जी वन के अकॉर्डिंग। नाउ फॉर जी टू, x2 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब हमें जी की वैल्यू फिर से वही ऐसे निकालनी है, तो पहले जब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 63 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो देखिए हमें क्या निकालना है, 39% में देखना होगा, तो देखिए 39% कहाँ पर आएगा आपका, 0.39 ढूंढ लीजिए कहाँ पर आएगा, 0.39 ये रहा, दैट इज 1.23, 1.23 राइट, एंड ये तो आपको पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में है, सो दैट इज 1.23 इक्वल टू 63 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर टू। बस दोनों को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो क्लास में फाइनल आंसर लेकर आऊँ सबका, मीन की जो वैल्यू होगी आपकी आएगी दैट इज 50.3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी दैट इज 10.33, दैट्स इट, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि जी की वैल्यू जो भी होती है चाहे वो परसेंटेज फॉर्म में हो चाहे वो वैल्यू में हो एब्सोल्यूट टर्म में, तो जो भी आप जो कर्व होता है हमेशा टूवर्ड्स जीरो होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 43 और 39% से के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू निकाली, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन नंबर 14, द मीन वेट ऑफ 500 मेल स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन कॉलेज इज 151 LB एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 LB, अज्यूमिंग द वेट्स आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे बिटवीन 120 एंड 150 LB। देखिए इजी क्वेश्चन है, देखिए आपको मेन गिवन है दैट इज 151 LB, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन आपको 15 LB। अब आपको क्या निकालना है, देखिए फॉर्मूला करता हूँ, जी इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन आपको, आपको एक्स और जेड देखना है। पहले पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे बिटवीन 122 155, तो पहले जब जब ए पार्ट करेंगे तो पहले तो लेना है आपको एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 120 एंड दूसरे में जी टू की वैल्यू में आपकी एक्स की वैल्यू कितनी 155, बिटवीन पूछा है दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, एंड जो भी आंसर आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली फॉर मोर देन 185 क्या करोगे, एक्स की वैल्यू करेगी 185, ठीक है। तो आप जब आप ग्राफ बनाओगे तो टूवर्ड्स द राइट आपको एरिया निकालना है, ठीक है। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 14 इज फॉर होमवर्क। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, द रिजल्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो इन अ समरी फॉर्म। रिजल्ट्स गिवन है, पास विद डिस्टिंक्शन 10% स्टूडेंट्स के आए हैं पास विद डिस्टिंक्शन, 60% स्टूडेंट्स हैव बीन पास एंड 30% स्टूडेंट्स हैव बीन फेल। इट इज नोन दैट अ कैंडिडेट गेट्स प्लग्ड इफ शी ऑब्टेन्स लेस देन 40 मार्क्स वाइल शी मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 75 मार्क्स इन ऑर्डर टू पास द
with distinction. Determine the mean and standard deviation of the distribution of the mass, assuming this to be normal. So देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को. पहले एक बार इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर्व बना लें फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. देखिए क्या बोला है यहाँ पर हमसे, 10% स्टूडेंट्स पास विद डिस्टिंक्शन, 60% स्टूडेंट्स पास्ड एंड 30% फेल. सो इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं. देखिए 30% तो देखिए फेल ही हो गई. 30% कहाँ पर लाया कर रहा है वो, यहाँ पर लाया कर रहा है वो. 10% स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो डिस्टिंक्शन ज़्यादा हैं एंड 60% स्टूडेंट्स जो है वो पास हो गए. तो 60% कैसा आया होगा वो, मीन्स 40% तो यहाँ लाई कर रहा होगा एंड 20% आपका यहाँ पर लाई कर रहा होगा. ठीक है, हो गया पूरा 100%. तो देखिए हमें मेनली ये चीज गिवन है, ये दोनों ऑप्शन गिवन है एंड फाइंड आउट हमें करना है ये एरिया. फाइंड आउट हमें इस एरिया के अकॉर्डिंग करना है. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे. Z1 दैट इज इक्वल टू, पहले हम Z1 यानी 30% का वोटिंग गलत है. तो अच्छा 30% बच्चे फेल हो गए, कब फेल होंगे वो, अगर वो 40 से कम लाएंगे. सो दैट मीन्स Z की वैल्यू, सॉरी X की वैल्यू यहाँ पर 40 हो जाएगी एंड पास विद डिस्टिंक्शन दैट इज 75 गिवन है. ठीक है, तो X की वैल्यू पहले क्या जाएगी आपकी 40 माइनस मीन तो आपको पता ही नहीं है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अगेन आपको देखो यहाँ पर जी की वैल्यू आपकी कितनी है, 30% के अकॉर्डिंग, बट हमें देखना है, सॉरी हमें वैल्यू निकालनी है 30% नहीं, हमें 20% के अकॉर्डिंग निकालनी है, राइट टूवर्ड द जीरो वाली. तो देखिए यहाँ पर देखना है 0.2 कहाँ पर है. तो 0.2 यहाँ पर कहाँ पर है, दैट इज समवेयर यहाँ पर ही रहा. कहाँ कितनी वैल्यू इसकी गिवन है, दैट इज 0.53, 0.53 हो जाएगा आपका इसका. ठीक है, 0.53 इक्वल टू 40 माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, राइट. अच्छा ये नेगेटिव में क्योंकि लेफ्ट साइड है. ठीक है, सिमिलरली फॉर Z2 तो इसमें रहेगा 75 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, अब इसमें देखना है 40% के अकॉर्डिंग टूवर्ड्स जीरो. तो 0.4 देखते हैं कहाँ पर आपका, 0.4 ये रहा. ठीक है, दैट मीन्स 1.28, 1.28 कह लेते हैं, वो ज़्यादा क्लोज है. ठीक है, 1.28 प्लस में आएगा इक्वल टू 75 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल गेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. सो देखिए यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आएगा दैट इज 19.4 एंड जो मीन आएगा दैट इज इक्वल टू 50.17, राइट. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. ब्रिंग आउट द फैलेसी इफ एनी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या फिर हमें कमी निकालनी है. द मीन ऑफ द ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन आपको दैट इज 15 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 5. देखिए बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन मीन कैसे निकालते हैं, एन इंटू पी, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट में एन पी क्यू. ठीक है, तो देखते हैं क्या हो क्या करेंगे इसमें. 16 का ए पार्ट, ठीक है, हमें जो मीन गिवन है दैट इज 15 एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपको दैट इज 5. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप निकालते हो फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में एन पी क्यू, राइट. तो ये कितने गिवन है आपको, 15
तो अगर मैं वेरिएंस निकालूँ तो कितना हो जाएगा, एन पी क्यू इक्वल टू 25। ठीक है, तो बस यहाँ से अब हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम मान लीजिए अगर हम यहाँ से क्यू निकालें तो क्यू की वैल्यू आपकी 25 डिवाइड बाय एन पी, राइट, एंड एन पी इज 15, सो 25 डिवाइड बाय 15, सो क्यू की वैल्यू आपकी मोर देन 1 आ रही है, विच इज 6.1.67। सो दैट मीन्स, एंड आपको पता है दैट मीन्स पी प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो क्यू की अकेली की वैल्यू 1 से आ रही है, सो दैट मीन्स क्यू नेवर एक्सीड 1। सो इन दिस इक्वेशन दी सिंस द क्यू इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट बी पार्ट, फाइंड दी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन एंड वेरियंस इज दिस। सो हमने इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, सो दिस पार्ट इज फॉर होमवर्क। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आपको याद रखना, आपको देखना पड़ेगा वैसे चांसेस हैं या तो बायनॉमियल लगेगा या पॉइजन में लगेगा। बायनॉमियल में क्या पता था फिर आपको या तो सक्सेस होगा फेलियर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको लगने चांसेस हैं या तो डिफेक्टिव बोल्ट होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, बट जैसे अगर आपको होता है कि जब चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इज वेरी रेयर, तो आपको निकालना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सिचुएशन में जब आपको डेटा जो काफ़ी बहुत बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, तब भी आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, पूछा हमसे फाइंड मीन, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इन अ टोटल ऑफ 900। अब तो हमें पॉइजन ही करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो कैलकुलेट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। सो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है क्लास, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। देन क्वेश्चन नंबर 18, सर्टेन मास प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स ऑफ विच 0.5% आर डिफेक्टिव आर पैक्ड इन कार्टन्स ईच कंटेनिंग 130 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हमें जो है डिफेक्टिव निकालना है, दैट इज का परसेंटेज कितना है 0.5%, एंड व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कार्टन्स आर फ्री एंड डिफेक्टिव आर्टिकल्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ एंड प्रोपोर्शन कंटेन टू और मोर डिफेक्टिव। ई की वैल्यू क्या है, तो दैट मीन्स हमें तो ऑब्वियसली तो हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में करना ही है। देखिए हमें एक तो प्रोबेबिलिटी गिवन है कि 0.5% जो है आर्टिकल्स जो है वो डिफेक्टिव आ जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं आउट ऑफ 130 आर्टिकल्स में, राइट। तो पूछा है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कार्टन्स आर फ्री फ्रॉम कार्टन्स, बिल्कुल, यानी कि जब पी की वैल्यू जीरो होगी तब हमें तो निकालना है। तो देखिए पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला देखिए क्या होता है हमारा इसका, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पी निकालते कैसे निकालते हैं, पी आर इक्वल टू ई टू ई की पावर माइनस एम एम की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। हमें निकालना है क्या, दैट इज पी जीरो, सो ई की वैल्यू कितनी थी 2.71, यही होती आपकी वैल्यू 2.718। ठीक है, तो अच्छा तो ई की वैल्यू जस्ट मिनट, आपको क्या गिवन है, आपको आपको गिवन है 0.5% आर डिफेक्टिव। ठीक है, और गिवन है, ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 माइनस 0.5। ठीक है, एंड जीरो रहेगा तो 1 बाय, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं आपको, तो यही रह जाएगा। तो और इसकी वैल्यू आपको गिवन ही है, कितनी गिवन आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.60765, 0.6065, कुछ यहीं फिनिश हो गया, कुछ करना ही नहीं आपको। और हमसे पूछे कितने प्रोपोर्शन में जो है डिफेक्टिव जो है नील होंगे, तो इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो कितना जाएगा 61% ही जाएगा। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि सेकेंड पार्ट, व्हाट पोर्शन कंटेन टू और मोर डिफेक्टिव, तो उसमें क्या निकालेंगे हम टू और मोर में, देखिए टू और मोर तो बहुत ज़्यादा निकालेंगे, तो उसे करेंगे जीरो तो निकाल लिया, वन और निकालेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करके हम वन से माइनस कर देंगे। ठीक है, इजी है आपका, तो पी वन और निकाल लेते हैं इसमें हम पी वन, सो पी वन कैसे निकालेंगे, देखिए पी वन दैट इज इक्वल टू, इसमें आपका तो सिंपल है ऐसे ही जगह, तो पी जीरो मल्टीप्लाई बाय एम हो जाएगा आपका, इसमें
0.6065 multiplied by 0.5, that is equal to 0.30325। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके 1 से माइनस करेंगे, सो दैट मीन्स 2 और मोर। कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी 0 प्लस पी 1, ऐसे करेंगे। सो 1 माइनस 0.6065, इसको माइनस से कर देता हूँ, 0.30325, दैट्स इट। सो आंसर आपका आएगा, दैट इज 0.0902। ठीक है, प्रोपोर्शन पूछ रहे तो इन परसेंटेज, इसको परसेंटेज के अंदर करोगे तो आपको जाएगा 9%, दैट्स इट, राइट। सो क्लास, दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो क्लास विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस आल्सो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।